राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत गुरुवार की देर शाम भागलपुर पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर भागलपुर जिला एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा संघ प्रमुख की सुरक्षा के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। बता दें कि शुक्रवार 22 दिसंबर की सुबह 9:30 बजे कुप्पा घाट स्थित महर्षि मेही के आश्रम में मोहन भागवत का कार्यक्रम निर्धारित है, जहां संघ प्रमुख महर्षि मेही आश्रम में साधु संतों से मुलाकात करेंगे, जबकि उनके द्वारा महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म महर्षि एक विचार का लुकआउट और ट्रेलर भी जारी किया जाएगा। इधर भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से महर्षि मेही आश्रम और आसपास में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। शहर के सभी चौक चौराहों पर दंडाधिकारी के साथ काफी संख्या में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है, जबकि यातायात रूट में भी बदलाव किया गया है। मोहन भागवत पटना से नवगछिया के रास्ते विक्रमशिला सेतु से होकर भागलपुर पहुंचेंगे, जहां वे खरमनचक स्थित संघ के स्वयंसेवक नीरज शुक्ला के घर जाएंगे। इसको लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने कहा कि संघ प्रमुख को जेड प्लस सिक्योरिटी प्राप्त है और उनके आगमन को लेकर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के साथ शहर के ट्रैफिक रूट में बदलाव कर सभी जगहों पर पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। साथ ही SSP ने कहा कि सुरक्षा और अन्य दिशा निर्देशों को लेकर अधिकारियों एवं संघ के स्वयंसेवकों के साथ बैठक भी कर ली गई है। देखिए, वो जेड प्लस प्रोटेक्टी हैं और उनका जो आगमन 21-22 तारीख को उनका प्रोग्राम है भागलपुर में, उसके परिप्रेक्ष्य में भी हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। जो भी उनके सुरक्षा के मानक हैं उनका पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाएगा। जो भी रूट्स हैं जिसको वो फॉलो करेंगे उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है। रूट लाइनिंग के लिए पूरी रूट का वेरिफिकेशन किया जा रहा है और कितने बलों की आवश्यकता होगी उसके बारे में पूरी कार्य योजना तैयार की जा रही है। हाँ, वो सब ASL होगा, जिसमें कि पटना से भी ऑफिसर्स आएंगे और सारे जो रूट्स हैं, कार्यक्रम स्थल हैं, उनका सिक्योरिटी ऑडिट किया जाएगा। उसमें जो भी पदाधिकारी बल लगाना होगा वो भागलपुर पुलिस की तरफ से लगाया जाएगा। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत कटलवाड़ी स्थित एक मकान में कमरे के बाहर तराजू के फंदे से झूलता किशोरी का शव बरामद हुआ है, जिसकी पहचान मधेपुरा निवासी बंटी कुमार की 12 वर्षीय पुत्री साक्षी के रूप में हुई है। साक्षी एक प्राइवेट स्कूल में 5वीं कक्षा की छात्रा थी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बरारी पुलिस और आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई, जिसके बाद संदिग्ध मौत को देखते हुए मामले की जाँच के लिए FSL टीम को बुलाया गया। इधर साक्षी के मौत की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई, लेकिन घटना को लेकर अब तक कुछ भी स्पष्ट पता नहीं चल सका है। बताया जा रहा है कि साक्षी अपने छोटे भाई साहिल के साथ कटलवाड़ी निवासी मिश्री शाह के मकान में किराए पर रहती थी, जबकि उसके पिता का बिहारीगंज स्थित रहुआ गांव में एक दुकान भी है। इसको लेकर साक्षी के भाई साहिल का कहना है कि बुधवार की रात वे दोनों भाई बहन अपने कमरे में सोने गए, जिसके बाद सुबह करीब 3-4 बजे उसकी नींद खुली तो उसने कमरे में अपनी बहन को नहीं देखा। साहिल ने इसके बाद अपने पिता को फोन कर घटना की जानकारी दी। वहीं इसके बाद पिता बंटी ने साहिल को कमरे के बाहर जाकर बहन को ढूंढने को कहा, लेकिन बाहर निकलकर देखने पर भी उसे साक्षी नहीं मिली। हालांकि पिता से बात करने के क्रम में जब साहिल कुछ देर बाद दोबारा कमरे से बाहर निकला तो उसने घर के बाहर बंधे तराजू की रस्सी से झूलता साक्षी का शव देखा, जिसके बाद साहिल ने आसपास के लोगों को भी आवाज लगाकर घटना की जानकारी दी, पर कोई मौके पर नहीं आया। वहीं नाबालिग छात्रा के परिजनों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने का आरोप लगाया है, साथ ही दिखावे के लिए फंदे से बांध कर आत्महत्या करार देने की बात कही है। फिलहाल पुलिस परिजनों के बयान पर केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठान निमित्त पूजन अक्षत कलश शोभा यात्रा गुरुवार को भागलपुर बूढ़ानाथ मंदिर से निकलकर सुल्तानगंज अजगैवीनाथ धाम पहुंची, जहां नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, भाजपा नेता अरुण चौधरी, मनोज सिंघानिया, जायसवाल समिति के अध्यक्ष शिवम चौधरी और मारवाड़ी महिला संघ के सदस्यों द्वारा पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। नगर भ्रमण के दौरान कलश शोभा यात्रा में नगर सभापति और भाजपा नेताओं ने रथ पर अक्षत कलश लिए। विश्व हिंदू परिषद के स्वप्रिल झा, प्रवीण झा, केशव भुवानिया और गौतम सिन्हा समेत हजारों की संख्या में लोग शामिल रहे। इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बताया कि नगर भ्रमण करते हुए शोभा यात्रा 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी, जहां भगवान राम के नवनिर्मित मंदिर में पूजन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। साथ ही कहा कि इस दिन पूरे भारत के हर घर में दीप जलाकर दीपावली त्यौहार मनाने के लिए हर घर में अक्षत देकर निमंत्रण दिया जा रहा है। शोभा यात्रा में संघ के विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं के अलावा सामाजिक संगठन, कोचिंग संस्थान और पुलिस बल के अलावा शहर के कई लोग शामिल हुए। आज भगवान श्री राम का जो कलश यात्रा था, जैसा बड़े भाई पवन भैया ने बताया कि वो कार्यक्रम है, और विशेष यह है कि इस धरा पे आने का हम लोगों का जो सौभाग्य मिला है कि हम लोग स्वयं भगवान राम जो अयोध्या की धरती उनकी धरा है उनको स्थापित करने का काम देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो किया जा रहा है वो 22 जनवरी का तिथि तय हुआ है, और उसी तिथि में भगवान श्री राम का जो है प्राण प्रतिष्ठा होके उन्हीं के धरा पे उनको स्थापित किए जाने का कार्यक्रम मनाया जाएगा, जिसके साक्षी समस्त देशवासी के साथ साथ पूरे विश्व के भी लोग रहेंगे। भागलपुर के सनोला प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित सिल्क भवन में प्रखंड के सभी सेविकाओं की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पुष्पा कुमारी ने सेविकाओं के साथ बैठक कर उन सभी सेविकाओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को पूरा करने और सभी बच्चों को पोषाहार एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात कही। मौके पर काफी संख्या में आंगनवाड़ी सेविका मौजूद रही। बैठक जो बुलाई गई है वो ICDS की जो सेवाएं होती है उसको बताने के लिए, ये हम लोग का विभागीय शेड्यूल होता है जिसमें हम लोग सेविकाओं को बुला करके उनसे उनको जो अभी जो कुछ नया जानकारी होता है वो देते हैं, और फील्ड में इन लोगों के साथ क्या समस्या हो रही है किसी काम को करने में उस काम के उसके बारे में हम लोग इन लोगों से जानते हैं, ताकि इनकी समस्या को दूर करके हम लोग इस जो भी योजना सरकार की चल रही है उसको हम लोग गति दे सकें। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर के कारमेल स्कूल प्रांगण में क्रिसमस को लेकर समारोह का आयोजन किया गया। क्रिसमस उत्सव की शुरुआत स्कूल की प्राचार्य सिस्टर सेंड्रा, मैनेजर सिस्टर मेरेशियन और उपप्राचार्य सिस्टर आशा के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद आरक्षा, प्रत्यक्षा, निमिषा और श्रेयाराज ने प्रार्थना एवं नृत्य की प्रस्तुति दी, जबकि कक्षा 2 के छात्राओं के द्वारा हिंदी कोयरेओल गीत गाया गया। वहीं क्रिसमस उत्सव में नाटक के माध्यम से गॉड जीसस के जन्म की कहानी को दर्शाने के साथ आया मसीह गीत पर कक्षा 4 एवं 5 के छात्राओं ने नृत्य की प्रस्तुति दी। इसको लेकर विद्यालय के मीडिया प्रभारी राजेश कुमार शाह ने बताया कि कार्यक्रम में कम्युनिटी कॉलेज की छात्राओं ने भी अपने मनमोहक नृत्य से वहाँ मौजूद लोगों का मनोरंजन किया एवं यीशु को नमन किया। समारोह में बच्चों के द्वारा कई कार्यक्रम पेश किए गए, जबकि हैप्पी क्रिसमस गीत पर हिंदी मीडियम के छात्राओं के द्वारा दी गई नृत्य की प्रस्तुति ने पूरे क्रिसमस प्रसार को क्रिसमस के रंग में रंग दिया। वहीं क्रिसमस उत्सव के दौरान स्कूल की प्राचार्य, मैनेजर, उपप्राचार्य और सिस्टर एलिना ने हिंदी मीडियम की छात्राओं और कम्युनिटी कॉलेज की छात्राओं को उपहार एवं अन्य सामग्री प्रदान की। कार्यक्रम का संचालन राखी सहाय, सांतावना, अर्चना सिन्हा और रिचा समेत कई शिक्षिकाओं द्वारा किया गया, जबकि उत्सव के दौरान मंच संचालन स्कूल की कई छात्राओं ने किया।
भागलपुर के जीरो माइल स्थित एक विवाह भवन में युवा जदयू की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता युवा जदयू के जिलाध्यक्ष रजनीकांत सिंह ने की। इस दौरान भागलपुर जिला युवा जदयू के पदाधिकारियों ने संगठन की मजबूती को लेकर विस्तार से चर्चा की। साथ ही आगामी 2024 लोकसभा और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू को अधिक से अधिक सीट पर जीत दिलाने के लिए रणनीतियों पर विचार किया गया। बैठक को जदयू जिलाध्यक्ष रजनीकांत और नीरज कुमार सिंह समेत कई पदाधिकारियों ने संबोधित किया। मौके पर अभिषेक सिंह, तबरेज आलम, शिवम कुमार और अभय कुशवाहा समेत जिला जदयू के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।